अगर दोस्तों आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो आपका स्वागत है, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप इसी चैनल पे दूसरा वीडियो है मेरा हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार, जिसके जो व्यूज है वो 1 मिलियन से भी ज्यादा पहुंच गई है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो आप देख लीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद ये मेरा सिर्फ गियर वाला पार्ट है, गियर समझाने का, वो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन थे आपके कॉमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कुछ कमेंट्स देखी जिसमें एक गियर है जिसका नाम है S, यानी कि स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड की जगह मैंने S यानी कि सेकंड गियर अपने वो वीडियो में बताया था, क्योंकि वो सेकंड गियर था, स्पोर्ट मोड नहीं था। और ये है होंडा की मैनुअल होंडा सिविक, आप खुद देखिए, जिसमें S यानी कि सेकंड गियर लिखा है, स्पोर्ट्स मोड वर्ड का यूज किया नहीं गया है यहाँ पे, क्योंकि ये सेकंड गियर है, स्पोर्ट मोड नहीं है। तो स्पोर्ट मोड होता क्या है वो देखने से पहले, सेकंड गियर और सारे जो दूसरे गियर है ये ऑटोमेटिक कार में, वो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। लीवर है उसके पीछे, यहाँ पर एक रिलीज बटन है, यानी कि क्लच की जगह आपको ये दबा के गियर चेंज करने है, राइट, इसको रिलीज बटन कहते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर जो गियर है जिसमें पी यानी कि पार्किंग, आर रिवर्स एंड न्यूट्रल, डी ड्राइव, एस सेकंड गियर और एल है लो गियर। जैसे कि एस यानी कि सेकंड गियर और स्पोर्ट्स गियर, उसमें फर्क है, कुछ सिमिलैरिटी भी है कुछ फर्क भी है, तो भी हम देखते हैं सारे गियर पे कैसी कार चलती है, और मोस्ट प्रोबेबली लो, सेकंड और डी में, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अभी ये कार है पार्किंग मोड पे है, यानी कि पी है। और एक क्वेश्चन था कि न्यूट्रल पे हम कार नहीं रख सकते पार्किंग एरिया में, हमें क्या पी मोड पे ही पार्किंग एरिया में कार रखना पड़ेगा? तो दोस्तों, न्यूट्रल पे हम कार को पार्क करते हैं और पी मोड पे पार्क करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि पहले ये पार्किंग मोड है, अगर ये कार आपने न्यूट्रल पे पार्क करने का ट्राई किया है तो न्यूट्रल पे कार आगे पीछे जाती है, चाबी भी नहीं निकलती है, लॉक रहती है वो स्टेयरिंग के इग्निशन में। तो आपको कार पार्क करके पार्किंग मोड के जो गियर है उस पे आप कार को बंद कीजिए और उसी मोड पे आप चाबी निकाल सकते हो। पार्किंग मोड के अलावा आप चाबी भी इस कार में नहीं निकाल सकते हो, इसलिए हमें हमेशा कार को पी मोड पे पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि गियर लॉक होते हैं। और दूसरी सेफ्टी है हैंड ब्रेक, तो हैंड ब्रेक और गियर लॉक जो कार को आगे पीछे नहीं जाने देती। जैसे कि मैनुअल कार की हम बात करें, मैं आपको एडवाइस भी देता हूं कि आप मैनुअल कार चला रहे हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी जो हैंड ब्रेक है वो कभी काम करना बंद कर दे, तो सेफ्टी के लिए आपको कार को किसी गियर में यानी कि फर्स्ट या सेकंड गियर में डालना जरूरी है, ताकि अगर आपकी हैंड ब्रेक काम नहीं कर रही है इसलिए कार को स्मूथली यानी कि फ्रीली आगे पीछे रोल करने नहीं देता है। अब गियर को मैंने आर एन डी एस और एल यानी कि जो आखिरी में यहाँ पर एल मोड पे डाला, अब मैं कार चलाता हूं। तो मुझे कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा भी मैं ज्यादा एक्सेलेरेटर को दबाता हूं पेडल को तो कार है वो पूरा जो फोर्स है वो दिखाती है, और फर्स्ट गियर जैसे होता है पिकअप के लिए, जैसे कि धक्का लगाने के लिए वैसा फील होता है, और उसमें कम स्पीड में आरपीएम ज्यादा होता है, यानी कि धक्का है कार में वो ज्यादा लगता है, पिकअप ज्यादा होती है। आप आवाज देखिए, आवाज पर गौर कीजिए, ये रेसिडेंशियल इलाका है इसलिए मैं 50 से ज्यादा ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, फिर भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट गियर में यानी कि लो गियर है वो फर्स्ट गियर जैसे काम करता है, अब हमें देखना है सेकंड गियर, यानी कि कुछ लोग स्पोर्ट गियर बोलते हैं उसकी जगह ये सेकंड गियर है, तो अभी मैं डालता हूँ सेकंड गियर पे। तो ये मैंने ऐसे चालू ही, देखो मैंने कुछ नहीं किया, अगर आप एक्सेलेरेटर पे पैर रखो या ब्रेक पे रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन रखिए, उस पे कोई जर्क ना आने पाई सेफ्टी के लिए। और ये मैंने दबाया सेकंड गियर, तो सेकंड गियर में ये फ्रीली चलती है,
फर्स्ट गियर से ज्यादा। अभी मैं 50 की स्पीड पे था तो ये 40 में अभी बहुत ही अच्छी चल रही है। और जैसे कि सेकंड गियर और स्पोर्ट गियर का डिफरेंस देखा जाए दोस्तों, तो उसमें मेन चीज क्या है कि जो कार स्पोर्ट मोड पे होती है, जिसमें एस का मतलब सेकंड यानी कि स्पोर्ट्स मोड होता है, उसमें क्या होता है, स्टीयरिंग है वो थोड़ा टाइट रहता है, सस्पेंशन सब कुछ टाइट रहता है। यानी कि जब किसी रेस में या स्पोर्ट में कोई ऐसे टेढ़े रास्ते पे अगर स्पीड में जाना चाहे या हाई पिकअप पकड़ना चाहे तो कार पूरी कंट्रोल में रहती है, इसलिए स्टीयरिंग भी बहुत होल्ड के मोड पे रहता है, बहुत टाइट रहता है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार है, फिर भी कहीं पे मैनुअल बुक में भी या यहाँ कहीं भी स्पोर्ट्स गियर नहीं लिखा है, क्योंकि स्पोर्ट्स गियर की कार और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सेकंड गियर जब आप डालते हो किसी भी कार में तो जैसा फील होता है वैसा ही ये कार और स्पोर्ट मोड वाली कार में फील होता है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि स्पोर्ट मोड पे जो स्टीयरिंग है और पूरी कार है वो थोड़ी पकड़ के ये सिस्टम रखती है। अगर आपको हाई स्पीड में कार चलानी है जैसे कि 40 से ऊपर, तो आप गियर को बढ़ाइए और इस कार में सेकंड के बाद दूसरा जो कॉमन गियर आता है वो है ड्राइव यानी कि डी मोड। तो डी मोड ड्राइव मोड बहुत ही फ्री मोड है, उस पे आप पूरी कार चला सकते हैं कहीं पे भी। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपकी कार की कैपेसिटी उतनी है कि वो पहाड़ी वाले इलाकों पे होल्ड नहीं कर पाती है, बैक मारती है या चढ़ नहीं पाती है, तो आप उस टाइम लो गियर यानी कि एल का यूज कर सकते हो, जो फर्स्ट गियर की तरह है और दूसरा सेकंड गियर का भी काफी कुछ इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे। और ज्यादातर ये सेकंड गियर है या स्पोर्ट मोड जो भी है, तो उसका मतलब ये है कि आपको अगर कार को चलाना है, बाद में ब्रेक लगानी है, चलाई और ब्रेक लगानी है तो थोड़ा रुको थोड़ा जाओ, तो ऐसे नॉर्मली 20 से लेके 40 किलोमीटर की रफ्तार की स्पीड पे, ये मैं आपको करीब करीब बोल रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है, तो 20 से 40 के आसपास अगर आप चला रहे हो तो ये सेकंड गियर है यानी कि स्पोर्ट गियर वो ठीक है। दूसरे कई क्वेश्चंस थे कमेंट्स में, उसमें एक क्वेश्चन था कि हम डी ड्राइव पे कितनी स्पीड पे चला सकते हैं। तो डी ड्राइव तो बहुत ही फ्री है दोस्तों, जिसमें आप कार को स्टार्टिंग से लेके इस कार में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हो। टेक्निकली वैसे इतनी रफ्तार अलाउ नहीं होती है, लेकिन टेक्निकली डी ड्राइव पे इतना आप चला सकते हो जो भी आपकी कार की मैक्सिमम स्पीड हो। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डी ड्राइव पे सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है और ऑटोमेटिक वेरिएबल स्पीड रहती है, जिसमें आपको कुछ सोचने की या जरूरत नहीं पड़ती, कुछ उसमें बहुत ही इजी है, कोई भी चला सकता है। तो दोस्तों अभी मैं ड्राइव मोड पे आता हूँ, ये देखिए ड्राइव मोड मैंने अभी शिफ्ट किया। तो जितनी भी स्पीड पे आप चलाना चाहो कार, चाहे वो कम स्पीड हो या मैक्सिमम स्पीड हो, आप डी यानी कि ड्राइव मोड पे चला सकते हो। अगर रास्ते अपनी कार की कैपेसिटी से थोड़े बहुत ज्यादा हिल पे है तो आप लो गियर या सेकंड गियर या स्पोर्ट्स गियर का यूज कीजिए, वरना डी जो मोड है वो बहुत ही कॉमन है। कुछ लोग तो सालों तक सिर्फ डी पे ही कार चलाते हैं। ये कार होंडा सिविक बहुत ही अच्छी तरह हिल पे चलती है, 4-5 फैमिली मेंबर्स है, फिर भी मैं बहुत ही आसानी से हिल के ऊपर ये कार को चढ़ा पाया और मुझे हाई पावर का यानी कि हाई पिकअप जैसे कि लो सेकंड या स्पोर्ट्स गियर में होते उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और मेरी एक चैनल पे बहुत सारे कार्स के वीडियो है वो आप देखिए। कई बार ऐसा हुआ है कि कमेंट बॉक्स में आपने लिखे कुछ क्वेश्चंस और उनका जवाब है मेरे दूसरे वीडियोस में है,
और ज्यादातर मैं अभी मेरी चैनल पे कार पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, और दूसरे टाइप के वीडियो भी कुछ है तो उसके लिए मैं अलग चैनल अभी बनाने वाला हूँ। तो मोस्टली दोस्तों ये चैनल पे आपको ज्यादातर ऑटोमोबाइल कार और ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी की मेजोरिटी और सभी कॉमेंट्स और आप सभी की जो इच्छा जिस तरह से है वही पे काम होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगला वीडियो मेरा कोई भी हो तुरंत देखने के लिए आप बेल आइकन है उसको एक्टिव रखिए एक बार दबा के, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर। नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और एक बार बेल आइकन दबाइए। एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल संजय विद यू।